कहानी है सदी के महान वैज्ञानिक की, जिनकी सकारात्मक सोच ने दुनिया बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक और बार कोशिश करना और कोशिश करते रहना। दोस्तों, ये कहना है महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का। आज थॉमस एल्वा एडिसन को भला कौन नहीं जानता। वह बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन की ही देन है। इसके अलावा भी एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार कर दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, हो सकता है आपको ये सब बातें पहले से ही पता हो, लेकिन इतने सारे आविष्कार करना, ये तो उनकी जिंदगी का बस एक पहलू है। और आज मैं आपको उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू से रूबरू कराऊंगा, जिसमें मैं उनकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के ऐसे उदाहरण पेश करूंगा, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपना ले तो आपको आपकी जिंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं दी ऑसम वर्ल्ड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1847 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैंसी एलियट था, और एडिसन अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता यह था कि एडिसन टीचरों से इतने सवाल पर सवाल पूछा करते थे कि सभी तंग हो जाते और समझते कि ये शरारती व उद्दंड बच्चा है। यहाँ तक कि घर के बाहर लोग इनको मंद बुद्धि बालक समझने लगे और घर पर इनकी खूब शिकायतें आने लगी, क्योंकि उनके सवाल कुछ इस तरह के होते थे कि यदि पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। वो बचपन से ही काफी जिज्ञासु थे, हर चीज के पीछे छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करते रहते थे। वो जो कुछ भी जानते थे या सोचते थे उस विषय पर अपना प्रयोग शुरू कर देते थे। इस कारण लोग उन्हें सनकी और पागल कहते थे, पर वो लोगों की परवाह किए बगैर अपने प्रयोगों में जुटे रहते थे। और एक बार तो उनकी एक सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सभी को वास्तव में लगने लगा कि वो पागल है और सनकी भी, और अपने पागलपन में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूं था कि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसीलिए वो हवा में उड़ते हैं। तब उन्होंने इस प्रयोग को करना चाहा और जिज्ञासावश उसका सत्य जानने के लिए वो सुबह सुबह एक पार्क में चले गए और वहां से ढेरों कीड़े मकोड़े पकड़कर एक जार में बंद करके ले आए और उसका एक घोल बना लिया और इस घोल को अपने दोस्त को पिला दिया, यह जानने के लिए कि दोस्त पक्षी की तरह उड़ता है या नहीं। पर इसका नतीजा उल्टा निकला और दोस्त हवा में तो उड़ा नहीं, बल्कि उसकी हालत खराब हो गई और तबीयत बिगड़ गई। और इस बात पर उस दिन एडिसन की खूब पिटाई हुई और उन पर पाबंदियां भी लगाई गई। फिर एक दिन की बात है जब वो स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक कागज देकर कहा कि यह टीचर ने दिया है, और जब माँ ने वो कागज देखा तो वो एक चिट्ठी थी, जिसे पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा है माँ। आंसू पहुंच कर माँ ने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है, लेकिन हमारा स्कूल लो लेवल का है और टीचर भी बहुत ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे अब आप स्वयं शिक्षा दें। दोस्तों, जिस समय एडिसन की आयु मात्र 9 वर्ष थी, तब उनकी माता ने उन्हें प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दी थी, जिसमें बताया गया था कि रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोगों को घर पर कैसे करें। और फिर दोस्तों, एडिसन ने 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी पहली प्रयोगशाला घर पर ही बना ली। परंतु कुछ दिनों बाद उनकी माँ ने किसी बात से नाराज होकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद अपनी नई प्रयोगशाला खोलने के लिए उनको पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए एडिसन ने रेल यात्रियों को टिकट और अखबार बेचना शुरू कर दिया। और अब एडिसन ने रेलगाड़ी के एक खाली डिब्बे में अपनी प्रयोगशाला भी बना ली थी। लेकिन जब वो 12 साल के थे तो एक प्रयोग करते समय उनके रसायन नीचे गिर गए और उनकी रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ट्रेन के उस डब्बे में आग लग गई। फिर आग तो बुझा दी गई, लेकिन वहां के सुरक्षा कर्मी ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे गाड़ी से भी उतार दिया। दोस्तों,
आप जानते हो, उस एक तमाचे के कारण एडिसन को ऊंचा सुनाई देने लगा और धीरे धीरे उनके सुनने की क्षमता खत्म होने लगी। लेकिन उनकी जगह कोई भी होता तो शायद बहुत दुखी और निराश हो जाता। लेकिन एडिसन इस बात से दुखी होने की बजाय खुश हुए और जन्म हुआ उनकी सकारात्मक सोच का, क्योंकि एडिसन को लगा कि अब से उन्हें बेकार की बातें सुनाई नहीं देंगी और वो अपने काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, मात्र 15 वर्ष की उम्र में थॉमस एडिसन स्वयं अपने समाचार पत्र की छपाई और प्रकाशन करने लगे थे और उसे खुद ही चलती ट्रेन में जाकर बेचने लगे थे और दिन भर काम करने के बाद बाकी बचे समय को प्रयोगशाला में लगा देते थे। दोस्तों, समय के साथ साथ थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक बन गए और आविष्कार करने लगे। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर उनका पहला आविष्कार था जिसे एडिसन बेचने में सफल हुए थे। और इससे जुड़ी एक रोचक कहानी है कि जब एडिसन ने अनुभव किया कि उनके आविष्कार की कीमत 5000 अमेरिकी डॉलर है तो वो उसे $3000 में विक्रय करने को तत्पर हो गए थे, लेकिन किसी ने उसे $40,000 में खरीद लिया। दोस्तों, आज की तारीख में उसका मान लगभग $7,50,000 है, यानी लगभग 5 करोड़ रुपए के बराबर है। और उस समय के हिसाब से ये इतनी बड़ी रकम थी जिसे सुनकर एडिसन बेहोश होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला था। दोस्तों, अब उनका कामयाबी का सफर शुरू हो चुका था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक आविष्कार करना शुरू कर दिया और उनके किए हुए आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। दोस्तों, जैसे ही शाम होती है और अंधेरा होता है तो हम तुरंत बल्ब चालू कर देते हैं और चारों तरफ उजाला हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है बल्ब कैसे बना होगा? शायद हमारे पास इसके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं हो। लेकिन दोस्तों, बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 बार से भी अधिक बार असफलता प्राप्त की, लेकिन वो निराश नहीं हुए, क्योंकि वो कहते थे कि हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। और अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर लगभग 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और 21 अक्टूबर सन 1879 को पहला बल्ब पूरे दिन भर चलता रहा। दूर दूर से हजारों लोगों की भीड़ इसे देखने आने लगी, क्योंकि लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और दोस्तों, जब एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 से भी अधिक बार असफल होने के बावजूद कैसे बिना हार माने काम करते रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते ढूंढ निकाले जो काम नहीं आते और जो गलत रास्ते हैं। उनके इस सकारात्मक विचार ने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि जब तक कोई परिणाम ना मिले आगे बढ़ो और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना कर लो। दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन की बात है जब एडिसन फुर्सत के क्षणों में अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, तभी उन्हें एक अलमारी के कोने में एक पुराना खत मिला। दोस्तों, ये वही खत था जो उनके बचपन में टीचर ने उन्हें दिया था और उनकी माँ ने उस खत को पढ़कर एडिसन को बताया था कि टीचर ने लिखा है कि वो बहुत होशियार और जीनियस है, और ये कहकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन दोस्तों, अब उनकी माँ का देहांत हो चुका था और एडिसन भी बहुत बड़े और महान वैज्ञानिक बन चुके थे। और इतना पुराना खत मिलने पर उन्होंने सोचा कि जल्दी से देखता हूँ मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। एडिसन ने उत्सुकतावश उस खत को खोलकर देखा और पढ़ा, लेकिन उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर एडिसन रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था, आपका बच्चा मेंटली वीक है, उसे अब कभी स्कूल में ना भेजें। दोस्तों, एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर उन्होंने अपनी एक डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। दोस्तों, अगर इंसान का जन्म हुआ है तो उसे इस दुनिया से एक दिन जाना भी पड़ेगा, और यही सार्वभौमिक सत्य है। इस महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 18 अक्टूबर सन 1931 को संसार से विदा ली और जाते जाते पूरी दुनिया को रोशन कर गए। दोस्तों, आप जानते हो, मृत्यु को भी उन्होंने भारी प्रयोगों के लिए दूसरी प्रयोगशाला में जाना समझा। उन्होंने कहा, मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। इस भावना के साथ विश्व के इस महान उपकारक ने संसार छोड़ दिया। और क्या आप जानते हैं उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने कहा कि वहां पर सब कुछ बहुत सुंदर है। दोस्तों, उनके मुंह से निकली हर बात एक सकारात्मक सोच से उत्पन्न हुई लगती है। उनकी मौत पर पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास किया। वो कई बार चार चार दिन बिना सोए प्रयोग करते रहते थे।
दोस्तों वो मानते थे कि उनकी सफलता का राज है कि उनके लैब में कोई घड़ी नहीं है। दोस्तों वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने अपने जीवन में कभी एक दिन भी काम नहीं किया, वह सब तो मेरे लिए मनोरंजन था। लेकिन आप और मैं, हम सब जानते हैं कि वो अपने इस मनोरंजन में इस दुनिया को क्या क्या दे के चले गए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये चैनल अभी नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप टाइम ट्रेवल में रुचि रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 7 वीडियो टाइम ट्रेवल को लेकर बना चुके हैं, और उन सब वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।